टेम्पल में भजन के साथ तांडव होगा। ठीक है जानू, अपना ध्यान रखो। हैं बॉस, बॉस, बॉस। बॉस ये क्या कर रहे हैं? एक चिल पिल। मीट माई गर्लफ्रेंड्स। बिफोर 6 PM आई एम लक्ष्मी दास एंड आफ्टर 6 PM सेक्सी दास। ये गलत बात है बॉस। शांत हो जाओ बच्चा, जस्ट कूल डाउन। वो हर आदमी जो पब्लिक में बीवी को जरूरत से ज्यादा प्यार जताता है, हनी डियर स्वीट ड्रीम कहता है, वो एक नंबर का लुच्चा और मक्कार होता है। उसकी प्राइवेट लाइफ होती है जिसमें एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट दोनों होती है। आप लक्ष्मी मैडम को धोखा दे रहे हैं सर। शांत हो जाओ बच्चा, रिलैक्स हनी। मैं जो कर रहा हूँ वो धोखा नहीं कहलाता। असली धोखा तो वो था जब मैंने उसकी शादी के 6 रिश्ते तुड़वाए और फिर उसका पति बन बैठा और उसके साथ मैं बन गया टैक्सी कंपनी का मालिक। यहीं से शुरू हुई थी मेरे धोखेबाजी की कहानी। ये लो मेरा फोन। हर 5 मिनट में मेरी बीवी के मन में प्यार जगेगा और वो मुझे फोन करेगी, लेकिन मैंने उसे बता दिया है कि मैं रुद्र तांडव करने मंदिर में आया हूँ। अगर वो उल्टे सीधे सवाल पूछे तो तुम संभाल लेना, बस सच मत उगलना। मतलब झूठ बोलूं? सच से वफादारी निभाओगे या अपने बॉस से बेईमानी करोगे? आपने मुझे नौकरी दी है बॉस, मैं आपका वफादार रहूंगा। तुम्हारी वफादारी मेरी बीवी जैसी है। गर्ल्स। हेलो लक्ष्मी मैडम, तुम्हारा बॉस क्या कर रहा है? वो तो डांस कर रहे हैं। उन्हें कहना वो उपवास का खाना खा ले। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खा रहे हैं। उन्हें कहना थोड़ा जॉल भी पी ले। कुछ तो पी रहे हैं वो। पब में कमरा जैसे कमर वाली आइटम कहां से आ गई? हाँ ये वाली ठीक है। ये डांसर्स हैं या बाउंसर्स हैं? अरे गणेश, तुम भी आ गए क्या? वो फोन आया था सर। क्या पूछ रही थी वो बेवकूफ? खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं? मैंने कुछ नहीं बताया सर। जाओ मेरे अकाउंट से जूस पी लो। गो मैन, एंजॉय। अपने जीला टॉप लागे लो, कमरिया को हिलाओ, घुमाओ, रोटेट। मदर इन लॉ, मॉन्स्टर इन लॉ। बॉस, बॉस, आप कहाँ हैं बॉस? बॉस, क्या हुआ बॉस? शांति दो, मुझे शांति दो। अभी तो मिल गई ना बॉस, लेकिन हुआ क्या बॉस? कमीने, हर सुबह हर शाम मैंने तुमसे पूछा कि तुम मेरे वफादार हो या नहीं, तो हर बार तुमने अपनी मुंडी हो 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 करके हिलाई। इतने तो मुझे भी खुद के सीक्रेट्स के बारे में पता नहीं था जितने तुमने उगलवा लिए। व्हाई, किस लिए, क्यों? बॉस पता है लक्ष्मी मैडम ने फोन पर क्या कहा था? उन्हें कहना थोड़ा जॉल भी पी ले। वो कुछ तो पी रहे हैं। भैया आप उनका ध्यान रखोगे ना? तुम क्या कह रहे हो? धोखा देने वाला एंगल इसमें कहाँ से आ गया? आप ठीक से समझे नहीं बॉस, रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं। भैया आप उनका ध्यान रखोगे ना? आपने मुझे क्या बुलाया? भैया, 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 भैया का तो तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ बॉस। ओह नो। हाँ बोलो बहना। अब ये कौन है? मेरी रियल सिस्टर है। हाँ बोलो क्या हुआ? तुम्हारी अपनी एक पर्सनल बहन है तो मेरी बीवी को बोनस में एक्स्ट्रा बहन क्यों बना लिया? तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, एक दिन कोई तुम्हारी लाइफ बॉइल कर देगा। Thank you.
कुत्ते को। सर इन्हें कोई गलत फहमी हुई है सर। सर, सर मैं वो आदमी नहीं हूँ। कोई गलत फहमी नहीं, तू ही वो कमीना खबरी है। खत्म कर दो कुत्ते को। ऐसा मत करो सर। सर मेरे कुत्ते के मछलियों को खिला दे। कोई गलत फहमी है सर। सर मुझे जाने दो सर। कौन है रे? सर, सर, सर तू अंदर कैसे आया? उन्होंने मुझे बहुत मारा सर। सर मुझसे मार बर्दाश्त नहीं होती सर। सर मैं वो आदमी नहीं हूँ सर। सर सर मुझे उनसे मिलने दो ना सर। अगर वो बोल देंगे तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे सर। सर मेरे पास सुनो सर, इसको समझाओ ना सर। मार डालो सर। सर, मैं, सर मुझे माफ कर दे। मैं खुद यहाँ तक पहुँचा हूँ। कुछ आया समझ में? तुझे जान से मारने आया हूँ। मुझे मारने आया? माफ कर दे, प्लीज जाने दे, छोड़ देना। भैया कहाँ हो? रात के 1:30 बजने को आए, अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? वो टैक्सी में बैठ तो गया, अब उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार जब वो जाएगा तो मैं भी घर आ जाऊंगा। भैया उन्हें फोन देना जरा। हाँ अभी देता हूँ। आवाज मत करना। सर भैया ने सुबह से खाना नहीं खाया, अगर आप उन्हें जल्दी छोड़ देंगे तो वो घर आकर खाना खा लेंगे। उन्हें छोड़ दीजिए सर। वो तुम्हारी बात मान गए तुषा, अब वो जा रहे हैं। हाँ छोड़ दे मुझे, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे। आखिर तो है कौन? रशियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल। रशियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल, CBI, पुलिस। जानना चाहता है कौन हूँ मैं? हाँ।
देर कर दी भैया, लाइट भी नहीं है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अभी देती हूँ भैया, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़े चावल और देना। बहुत भूख लगी है ना आपको, कभी लेट हो जाए तो थोड़ा बहुत बाहर खा लिया करो। जल्दबाजी में कुछ खा लेने के बजाय मुझे इंतजार करना ज्यादा पसंद है। पहले भूख से खुद को तड़पाना और उसके बाद जैसे ही खाना सामने आए उस पर टूट पड़ना। लगता है कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। हाँ, अभी भी भूख मिटी नहीं, पेट भर गया लेकिन मन नहीं। थोड़ा और दो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लगता है किसी प्रोफेशनल का काम है। ये प्रोफेशनल का काम नहीं है, इट्स पर्सनल। ये पैसों के लिए नहीं किया गया, बल्कि बदले के लिए किया गया है। भाई के मरने के बाद भी उसे 10 बार चाकू घोंपा गया।